गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा फोर्थ क्लास के लिए मैथ्स चैप्टर आपका फोर्थ है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ही चुके थे, सेकंड चैप्टर आपका जो है नंबर्स करके है। नंबर्स में फिफ्थ चैप्टर जो पढ़ाया गया, फिफ्थ क्लास के लिए जो सेकंड चैप्टर नंबर्स पढ़ाया गया है सेम वही है, सारे टॉपिक्स वही हैं। इंटरनेशनल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रेडिसेसर, सक्सेसर और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सारा टॉपिक वही है। तो आप लोग क्लास फिफ्थ का जो है नंबर्स के लिए सेकंड चैप्टर के लिए, फोर्थ के सेकंड चैप्टर के लिए क्लास फिफ्थ का सेकंड चैप्टर जो कि नंबर्स करके है वो देख लीजिएगा। और सारा का सारा वही है, टॉपिक सारे वही हैं, आपका केवल एक्सरसाइज चेंज रहेगा। एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उसको जो है व्हाट्सएप पर ही हमको भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। और थर्ड जो चैप्टर आपका जो है रोमन न्यूमरल्स है, रोमन न्यूमरल्स का एक टॉपिक आपका हो चुका है जो कि पहले ही पढ़ा चुके हैं हम, तो आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट है। रोमन, अगर जिसको रोमन न्यूमरल्स नहीं समझ में आया है, एक लेक्चर हमारा है यूट्यूब पे अपलोड है, उसको आप जो है प्रीवियस टाइम पे हो चुका है ये, आप उसको रोमन न्यूमरल्स करके उसका हेडिंग है देख लीजिएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो फोर्थ चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, फोर्थ चैप्टर आपका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज़, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, एडिशन के बारे में देख लीजिए। एडिशन क्या होता है कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे 45 है और प्लस 35 करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एडेंड। और दोनों अगर सम होके आते हैं 80 है, इसको भी एडेंड बोलते हैं, ठीक है, एडेंड। और जो सम होके आता है, ये सम है, इसको हम सम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उसको एडेंड बोलते हैं, और जो नंबर ऐड होके आता है इसको सम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जिन नंबर्स को हम जोड़ते हैं, जैसे 45 को और 35 को जोड़ दिए, तो ये दोनों एडेंड हैं, और जो ऐड होके आया है ये सम है, ठीक है। तो ये एडेंड और ये सम। और दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहे 45 को ऊपर करें, चाहे 35 को ऊपर करें, अगर हम 35 को भी ऊपर करते हैं और 45 को नीचे करके जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तभी हमारा 80 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम नंबर्स को जो है एक्सचेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तब भी हमारे एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये नंबर ऊपर करें, चाहे ये नंबर ऊपर करें, ठीक है। तो हमारा एडिशन तब भी सेम आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन की केस में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन के केस में अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, अगर हम नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया एडिशन के बारे में। सबसे पहला क्या कि जिसको हम ऐड करते हैं उसको एडेंड बोलते हैं, जो ऐड करने के बाद आता है, जो आंसर आता है, उसको हम सम बोलते हैं। और इनके प्लेस को, दूसरा टॉपिक क्या है, इनके हम प्लेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकते हैं, तो भी ये हमारा जो है वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर जीरो है, अगर हम 3 में जीरो जोड़ते हैं तभी हमारा 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स ही होगा, कि जीरो में हम कोई भी नंबर्स ऐड करेंगे, जीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो जो है वही नंबर आएगा। जीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा, 3 + 0 = 3 ही आएगा, x + 0 = x ही आएगा। मतलब जीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, जीरो नहीं आता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब फिर आते हैं, देखते हैं कि जो एडिशन होता है, एडिशन में हम लोग जो है प्लेस, जो उसकी जो है प्लेस वैल्यू है, इसका ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दिया हो, ये हो गया, दिया है 356 + 25, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन है, इसको ऐड करने के लिए 356
अपॉन नीचे जो है 25 ऐड करते हैं, तो ये क्या हुआ, वंस के प्लेस के नीचे वंस ही होगा, टेंस के नीचे टेंस ही होगा, 100 के नीचे कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे, 6 + 5 = 11 और 5 + 2 = 7 + 1 = 8 = 381। इस तरह से ऐड करते हैं। कभी कभी कोई बच्चा अगर इस तरह से भी करता है 356 25 प्लस इस तरह से करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 10 6 606 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हम वंस के नीचे वंस नहीं लिखे हैं, ये टेंस के नीचे वंस लिख दिए, तो इसका मतलब कि ये हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, 100 के नीचे 100 लिखेंगे, है तो ठीक है लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं लिखेंगे, उसको स्पेस छोड़ देंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, वंस के नीचे वंस लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है लेकिन जोड़ा क्या जाता है, जोड़ा इससे मतलब कि 6 5 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप कभी आएंगे जो दुकान वकान पर बनिया वगैरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं लेकिन जोड़ते हैं उनको अलग तरीके से, ठीक है, कैलकुलेटर से भी जोड़ देते हैं, वो वंस वंस करके जोड़ देते हैं, ये जो है गलत तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो ये आपका जो है एडिशन था। एडिशन में और चीज़ें हैं, इसमें जो दिया गया है कुछ क्वेश्चन हैं एडिशन में, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका है एडिशन का, ऊपर नीचे करके जोड़ना है, ठीक है, तमाम नंबर्स होते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके बुक में है, इस तरह से एडिशन दिया हुआ है, बीच में जो है स्पेस दे दिया है, जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एडिशन में ही थ्री सिक्स एक बॉक्स बना है, मतलब इसमें नंबर भरने को 1 2, फिर उसके नीचे एक बॉक्स बना है, 3 के नीचे बॉक्स बना है, 3 यहाँ कर लेते हैं, 3 के नीचे बॉक्स बना है, फिर 3 4 3 4 है, फिर जो है यहाँ पे एक बॉक्स बना है, 1 के नीचे बॉक्स बना है, फिर 2 के नीचे 5 है, यहाँ 2 लिख देते हैं, फिर जो है प्लस करना है इसको 4 1 3 2, फिर बॉक्स बना है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, बाकी एडिशन आप लोगों को आता है, फर्स्ट सेकंड में भी बताया गया है, थर्ड में भी बताया गया है, तो फोर्थ में तो कर ही लेंगे एडिशन, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी बताए गए हैं, देख लेते हैं इसको कैसे ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर में भी लिखा हुआ है, आंसर में आपका आ गया है, क्या आया है, ये आपका 9 है, ये आपका 0 है, 9 6 और आपका 8 है, आंसर आपका दिया हुआ है। जो बॉक्स है उसको भरने हैं, बॉक्स में क्या भरेंगे, देखिए 5 + 2 = 7 और यहाँ पे 1 अगर कर दे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो 8 हो गया, तो 1 + 2 = 3 और ये 6 है, तो 3 में 3 अगर ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 3 = 7, यहाँ पे 9 है तो 2 अगर ऐड कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 6 + 3 + 1 10 हो गया, 1 कैरी बचा, 1 + 3 = 4 हो गया, 4 4 = 8 हो गया, यहाँ पे अगर 1 कर दें तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, एडिशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन आपका हो जाएगा। फिर जो है दूसरा टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम किसी होल नंबर से, जैसे 3 है और -0 करते हैं तो 3 ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब कि x - 0 = x ही होगा, x की वैल्यू x वेरिएबल्स हैं,
एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, 100, 2000, 500, वॉट एवर, जो भी रखना हो रख लीजिए, लेकिन अगर जीरो से जीरो माइनस करेंगे उससे, उस नंबर से, तो वो वही वैल्यू आएगा, एक्स ही आएगा, जो भी, चाहे 500 माने हैं तो 500 आएगा, 1000 माने हैं तो 1000 आएगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी क्या है कि इसके नंबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर 25 - 15 = 10 है, तो हम इसके नंबर्स को पलट नहीं सकते, जैसे कि एडिशन में पलट दिए थे, इसको उधर कर दिए थे तभी हमारी वैल्यू आई है, लेकिन अगर हम 15 - 25 करेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, -10 आ जाएगा ये, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में जो है बदल नहीं सकते, प्ले जो है चेंज नहीं कर सकते, इसको ऊपर इसको नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, एडिशन में कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है सब्ट्रैक्शन में और डिविजन में हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रही दो प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चंस माइनस में भी है, जैसे कि इसमें किया गया है, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बताया गया है, वैसे इसमें भी है, क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो है, आपके ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स एडिशन के, एग्जाम्पल्स आपके सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हैं जो कि एडिशन के हैं, एडिशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम हैं जिसको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स का है एडिशन में ही, कह रहा है ये वर्ड प्रॉब्लम का कह रहा है, जैसे कि आपका फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसको कॉपी में करके दिखाना भी है, ठीक है। कह रहा है फोर पर्सन है ₹3,64,025, 4,56,000, 6,63,26,984 एंड 40,20,017, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो इन सबको लिखना है, फोर पर्सन्स हैं जिनके, एक के पास 3,64,025 है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, 3,64,025 रुपीज इसके पास है, एक के पास है, दूसरे के पास है 4,56,000 रुपीज दूसरे के पास है, तीसरे के पास है 63,26,984 तीसरे के पास है, और जो है लास्ट के पास है 40,20,017 रुपीज़। ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट के पास, सेकंड के पास, थर्ड के पास और फोर्थ के पास है। तो ये चारों को ऐड करना है आपको, ठीक है, चारों को ऐड करना है, वही टोटल रुपीज आपका आ जाएगा, ठीक है। चारों को एडिशन आप लोगों को आता है, ऐड कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पूनम डिड शॉपिंग वर्थ ₹6,971 इन जनवरी, वर्थ ₹8,769 इन फरवरी एंड वर्थ ₹7,691 इन मार्च, फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंड ऑन शॉपिंग। कह रहा कि जो पूनम है वो शॉपिंग की जनवरी में 6,971 रुपीस का, फरवरी में 8,769 रुपीस का और मार्च में 7,691 रुपीस का, तीन महीने में अलग अलग जो है अमाउंट से शॉपिंग की, वो पूछ रहा है कि कितना पैसा वो खर्च की, स्पेंड की, हाउ फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंड ऑन शॉपिंग, टोटल मनी स्पेंड ऑन शॉपिंग। तो तीनों महीने के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसी में, व्हाट प्रॉब्लम में थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन फोर कैंडिडेट्स गॉट 1,35,435
257,840, 130,518 एंड 89,560 वोट्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा कि जो इलेक्शन में चार कैंडिडेट थे, इलेक्शन में जो होते हैं ना खड़े होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, तो चार कैंडिडेट थे, एक को 135,435 वोट्स मिला और दूसरे को 257,840 वोट्स मिला और तीसरे को 130,518 वोट मिला और चौथे को जो है 89,560 वोट्स मिला। कह रहा कि रिस्पेक्टिवली मतलब इस तरह से वोट मिले सबको, चारों कैंडिडेट्स को। कह रहा 3,520 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो 3,520 जो वोट्स है वो इनवैलिड हो गए, मतलब किसी के नहीं रहे। वोटिंग तो हुई थी इसकी, लेकिन जो है गलत जो तरीके से इसकी जो है मुहर लग गया था तो वो इनवैलिड हो गया। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बीइंग कास्ट, निकालना है कि टोटल वोट कितने जो है पड़े थे। तो इसमें जो है हम चार कैंडिडेट्स के पाए हुए वोट्स तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे और जो इनवैलिड वोट्स थे उसको भी जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो पांचों नंबर्स को हम जोड़ कर देंगे तो टोटल जो है नंबर वोट्स बीइंग कास्ट मतलब कि आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें पांचों जोड़ने हैं, क्यों? क्योंकि जो है वोट्स तो ये भी पड़े थे लेकिन इनवैलिड हो गए, किसी को नहीं मिले, किसी के खाते में नहीं गए, लेकिन तब भी इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थ्री शुगर मिल्स प्रोड्यूस्ड 346,528, 257,349 and 318,612 sacks respectively। जो तीन शुगर मिल्स थे मतलब इतने बोरे जो है उन लोगों ने बनाए, प्रोड्यूस किए शुगर। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ शुगर सैक्स, तो टोटल नंबर ऑफ शुगर सैक्स निकालने हैं कि टोटल जो है बोरी कितने जो है सैक्स बनी है। तो इसमें हम तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये आपका एडिशन आता है, ऐड करके आप लोग निकाल सकते हैं। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है इसी में, कह रहा कि 40,34,480 पीपल विजिटेड हॉली सरीन इन फर्स्ट ईयर, 26,22,470 पीपल इन सेकेंड ईयर एंड 15,30,362 पीपल इन द थर्ड ईयर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड टू हॉली सरीन इन थ्री ईयर्स। तो कह रहा कि कोई हॉली सरीन था तो वहाँ पे जो है लोग जाते थे, भाई पवित्र स्थान था, लोग विजिट करने जाते थे, घूमने जाते थे। तो पहले साल में इतने गए, दूसरे साल में इतने गए, तीसरे साल में इतने गए। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग गए, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, आपका जो है टोटल आ जाएगा। तो ये फोर्थ का जो है ये आपका जो है आ जाएगा, पांचों क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज फाइव में सब्सट्रैक्शन वाला जो एक्सरसाइज है तो उसमें क्वेश्चन नंबर टू तो हो जाएगा। कह रहा सब्सट्रैक्ट इन कॉलम फॉर्म में करके इसको सब्सट्रैक्ट करना, मतलब कि ऊपर नीचे करके इसको घटाना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा कि सब्सट्रैक्ट 77,77,650 फ्रॉम 84,84,029। तो इसमें 84,84,029 में 77,77,650 माइनस करना है, मतलब ऊपर क्या लिखेंगे हम, 84,84,029 ऊपर लिखेंगे, 77,77,650 नीचे लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 90,001 टू गेट 49,046। ये कह रहा है कि कितना जो है 90,001 में कितना हम घटा दें कि 49,046 बचे। क्वेश्चन कह रहा है कि 90,001 में कितना हम घटा दें कि 49,046 बचे। जैसे कि आप लोगों से कोई कह दे कि हम 10 में हम कितना माइनस कर दें, 10 में हम कितना माइनस कर दें कि 6 बचे, 10 में हम कितना माइनस कर दें कि 6 बचे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 6 करेंगे इजिकल टू 4 आपका आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कि जो है अगर इस तरह से कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 90,001 टू गेट
49,046। तो क्या करेंगे, 90,001 को 49,046 से माइनस कर देंगे तो वह नंबर आ जाएगा जिसको माइनस करने से हमारा 49,046 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम वही माइनस करेंगे। सेम क्वेश्चन सिक्स नंबर है। फिर सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ नंबर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा कि टू गेट द नंबर 1,02,037 एज ए डिफरेंस व्हाट नंबर शुड बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 10,00,000। तो सेम वैसे इसमें भी करेंगे हम, ठीक है, वैसे जैसे ऊपर किए थे। एट्थ क्वेश्चन है, कह रहा कि समीर हैज 9,28,763 एंड गौरव हैज रुपीज 79,79,578। हु हैज लेस मनी एंड हाउ मच, हु हैड लेस मनी एंड हाउ मच। तो इसमें क्या कर देंगे, 9,28,000 उसके पास है और 79,79,000 इसके पास है, तो ऑब्वियसली जो है गौरव के पास ज़्यादा पैसा है, तो गौरव के पैसे से समीर का पैसा घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे कि जो गौरव के पास 79,79,578 है तो ज़्यादा है इसका 9,28,763 से, तो इसमें 79,79,578 में से जो एट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, एट क्वेश्चन कह रहा है जो, क्या करेंगे हम लोग इसमें 79,79,578 है, ये किसका है, गौरव का है, तो समीर का कितना है 9,28,763। तो माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर आपका हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मयूर कैलाश गॉट 5,97,595 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट कंपटीटर निधि गॉट 2,98,695 वोट्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वोट्स बाय विच कैलाश वॉन इलेक्शन। इसमें भी जो कैलाश के जितना पाया है उसका निधि से जितनी पाई है उससे माइनस कर देंगे तो वही उतने ही वोट से वो जीता है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ओनिडा टीवी कंपनी प्रोड्यूस्ड 2,35,180 टीवी सेट्स इन 2011 एंड 4,84,396 टीवी इन 2012, इन विच ईयर मोर टीवी सेट्स वेर प्रोड्यूस्ड एंड बाय हाउ मच। तो ऑब्वियसली जो है 4,84,396 ज़्यादा है 2,35,000 से, तो हम 2012 वाले से 2011 वाला माइनस कर देंगे जो भी नंबर नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड है, तो वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे 11, 12, 13, 14 में भी करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप लोग जो है करके हमको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना था, वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको भी हमने समझा दिया, आई होप कि ये अच्छे से कर लेंगे आप। ठीक है, तो आप लोग जो इसमें एक्सरसाइज हैं 4-5 जो भी एक्सरसाइज है वो आपको पूरा करके हमको दिखाना, मतलब चैप्टर 4 आपका पूरा करके हमको दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।